ये रहा फ्लेवर। मम्मा खाएंगी। कौन सा फ्लेवर है? ग्रैंड आइसक्रीम। अच्छा अच्छा, ये बताएं वो टिकट्स की डिडक्शन हो जाएगी ना? जी, सब जगह हो जाएगी। हाँ, बाकी जो होंगे मैं दे दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ हमने जो आइसक्रीम ट्राई डिसाइड की है वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं अपने चैनल पे कि किस तरह बनेगी आइसक्रीम। फोकस है, तो ये देखिए यहाँ हमारी आइसक्रीम की तैयारी हो रही है। क्या कहते हैं पापा, बताएं भाई? आइसक्रीम है ये, लाइव इसको तैयार करेंगे वो ना, ऐसे तैयार होती है उसमें, फिर वो डाल के वो जैसे मैग्नेट करके इसको बनाएंगे। बटर से भी बीट हो रही है आइसक्रीम। आज हम खाएंगे लाइव आइसक्रीम। ये आइसक्रीम का ही होता है, मिल्क होता है, उसमें सारी चीजें ऐड करते हैं। मोहम्मद अहमद खान इधर आ जाओ। और ये भाई जो है हमें दे रहे हैं आइसक्रीम। चॉकलेट नहीं मैंने बेटा की। और अब इसमें डालेंगे कॉकटेल। कॉकटेल डाल रहे हैं। बेटा इसमें मिक्स फ्रूट्स होते हैं, वो सिरप में करके ना रखे होते हैं। क्या क्या थोड़ा सा जोड़ और ये लगे। अच्छा, क्या क्या चीजें ऐड हुई है वैसे? आइसक्रीम है और कॉकटेल क्यूब्स वगैरह ऐड हुए इसमें। और ये लिक्विड क्या है? मिल्क। ये मिल्क फ्रेश पूरी होती है बनी हुई। अच्छा, क्रीम कंडेंस सब ऐड होता है। सही। और इसके नीचे आपने बर्फ दी हुई है? बर्फ नहीं, मशीन चल रही है। मशीन चल रही है। अच्छा, हम तो मशीन नहीं, बर्फ वगैरह ठंडे करने की मशीन चल रही है, तो उसको कर लेंगे। चिलर सिस्टम होता है चिल करने, माइनस टेंपरेचर के साथ। सही। और ये आप बहुत यूट्यूब पे देखती थी ना, ये देखो अब लाइव खड़े होकर देखो। मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने बहुत बार वीडियोस पे देखा, मेरा दिल चाहता था। बस खाने को नहीं मिलेगी आपको, मम्मा खाएंगी बस। नहीं नहीं नहीं, पहली बार मेरे बंदे में देख रही हूँ ना, टीवी पे ही देखा। और ये तो मम्मा ने मुझे बताया कि ये क्या बन रहा है। क्या बन रहा है मोहम्मद अहमद, बताओ? आफीम। नहीं नहीं, वो मेरा हाथ खिला रही है, पीछे हो जाए। हाँ ना, दे रहे रात को जाते हुए और बनवाएंगे, तो दूसरा फ्लेवर लेंगे ना। रेडी हो गया है। जबरदस्त, ये आ गई हमारी आइसक्रीम। वाओ, ये आ गई। तो ये देखिए, ये आ गई हमारी आइसक्रीम। और मिया जी बताएंगे खाके कैसी है भाई। लाइव आइसक्रीम बनी है भाई, जबरदस्त। आपको पसंद है? आप कह रहे हैं लाइव खानी है, तो बैठ जो। हमने बनवाई है आइसक्रीम की, बेगम की। बेगम की, बेगम। ये लो, ये लो। अच्छा, मैंने मुझे ये था कि इनके भी 100 होगा। हमने वो सुना था कि वो 200 जो ना हो जाते हैं बैग। 200 अभी पहले होते थे, अभी इन्होंने 100 कर दिए नॉर्मल डे। ओहो, तो पापा मिल्क दे दिए? जी दे दी। कितने हुए? कितने दिए? 150 दिए साथ, और साथ कार्ड दिए। कार्ड का 100 रुपया वो है, 250 रुपये।
हैं स्वीट कॉर्न खाने और ये तो दो रेगुलर बनाओ और एक में मसाला बिल्कुल हल्का बच्चों के हिसाब से एक मसाला जो रेगुलर हम ब्लॉग बना रही हैं अपना एक नॉर्मल और एक स्पाइसी और ये बन रहे हमारे कॉर्न और ये कितने गर्म गर्म बनाते हैं ना हम इसकी रेसिपी भी डाली थी हमारे मेरे को तो आइसक्रीम खानी थी ना और ये बन रहे हमारे कॉर्न स्पाइसी ऐड हो रहे हैं इसके अंदर और हमारे आप अपना यहाँ पर जो है ना काफी तरह के स्पाइसी स्वीट कॉर्न रेगुलर आपका हल्का मसाला हमारा तेज मसाला और हाँ मैं अपना ब्लॉग बनाने में लगी हूँ ये गया बटर तो मेन इसमें जो खुशबू आती है ना वो इसकी बटर की ज्यादा होती है ये ना बस अब क्या बता रहे मम्मा की सिटिंग ये देखिए ये अब हमारे कॉर्न मिक्स हो रहे हैं और बस अभी हम इसको ट्राई करेंगे और बताएंगे कि यहाँ के ये स्वीट कॉर्न कैसे हैं और किस तरह पूरी बनाया उसका तो ये बन गए हमारे कॉर्न और अब ये लहरी के मसाले क्या तेज के तेज है मसाला और ये आ गए हमारे कॉर्न ये रहे हमारे कॉर्न ये तेज है मसाला आप अपने कॉर्न की बनाए ना और ये ये मियाँ जी खा के बता रहे हैं कैसे हैं कैसे हैं भाई फ्लेवर तो फ्लेवर अच्छा है कौन सा बनवाया आपने फ्लेवर बारबेक्यू क्या खाइए आप हमारी कश्मीरी चाय यहाँ पे जो है ये जूस की दुकान थी ये काफ़ी लेट ओपन हुई थी लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत खूबसूरत और बाहर से बहुत प्यारी लग रही थी दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी सजावट बहुत अच्छी थी तो बस अब वहाँ से हम यहाँ पे आके बैठ गए थे समंदर के किनारे यहाँ बहुत अच्छा व्यू था और बहुत मज़ा आ रहा था म्यूज़िक चल रहा था तो बहुत इन्जॉय वापस आने का तो हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था हमने बहुत यहाँ पे इन्जॉय किया है और ये देखिए लाइटिंग वगैरह मैं आप लोगों को फोकस करके दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है बच्चों ने मेरे बहुत इन्जॉय किया है और हमने जो जो चीज़ें वहाँ हमने ट्राई करी हैं उसका रिव्यू दिया है आगे मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ वहाँ जो हमने खाना खाया था अब उसका भी मैं रिव्यू इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो इसी के साथ जो है अभी हम यहाँ बैठे थे यहाँ कॉन्सर्ट हो रहा था तो मैंने वॉइस जो है वो म्यूट कर दी थी ताकि जो है ना कोई कॉपीराइट का मसला ना आए आप लोगों को पता है यूट्यूब पर तो इसलिए बस मैंने कहा यहाँ पे मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ बस यहाँ पे हम यहाँ पे हम अपने व्लॉग का एंड करेंगे इसी के साथ अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया है आप लोग हमें लाइक करते हैं तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को जो है जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है और बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसका अपना ख्याल रखें मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़।